अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपसे डिस्कस किया है कि आपको सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करवाना है और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें सेकेंड ईयर की बुक के बारे में और मेथड जो मैं यूज करूँगी, कैसे आपने लेक्चर लेना है और कैसे हमने उसको डिस्कस करना है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले बुक के बारे में कुछ नोट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। आपके पास आईटी सीरीज़ की बुक आपने लेनी है, इस तरह का कवर होगा, कवर चेंज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। आईटी सीरीज़ की होगी एमएस एक्सेस और सी सेकेंड ईयर की बुक। इस बुक के दो पार्ट हैं आपके पास, एक डेटाबेस का पार्ट होता है और एक प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है। डेटाबेस का पार्ट जो है वो एमएस एक्सेस, डेटाबेस क्या होती है ये हम डिटेल में साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। दूसरा प्रोग्रामिंग, हमने ये दोनों प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, हमने इनमें प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी भी करनी है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स में मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स करवाऊँ ताकि वो आप जल्दी कवर कर सकोगे। सेकेंड, अगर आप क्लास में या कॉलेज में करते हैं तो आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे बोर्ड पर आपको सारा समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही होंगी तो आप साथ साथ देख भी लेंगे कि वो प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म हो रहे हैं और उनका रिजल्ट हमारे पास कैसे आ रहे हैं। स्टार्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर नंबर 5 से। इस बुक का फर्स्ट पार्ट जो है डेटाबेस का, उसके चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस से हम स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है और हमने इसको कैसे यूज़ करना है। जो टर्म्स, जो टॉपिक्स पिछले इसमें यूज़ होंगे, कोई वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो मैं आपको साथ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगी, थ्योरी हम उनकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास की टाइमिंग आपको मैंने बताई थी कि 12 o'clock से स्टार्ट होगी और 1 o'clock तक होगी। हमने इसमें काम कैसे करना है कि आप लोगों ने अटेंडेंस पहले मार्क करनी होगी। अटेंडेंस के लिए मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक सेकेंड ईयर का मैंने अटेंडेंस फॉर्म बनाया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तब भी फॉर्म इसी तरह का ओपन होगा। मे बी पहले वो आपसे पूछे कि आपने क्रोम पे या किस एप्लीकेशन पे ओपन करना है। इसमें आप लोगों ने अपना रोल नंबर, जैसे कोई भी रोल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 इंटर कर देती हूँ और यहाँ पे आप कोई भी नेम इंटर करेंगे और इसको सबमिट करवा देंगे, तो इस तरह से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। सेकेंड, अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं आप लोगों से प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करूँगी, असेसमेंट होगी आपकी कि आप लोगों ने कितना उसको अंडरस्टैंड किया है, और उसके बाद न्यू लेक्चर वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियोज़ क्योंकि लेंथी होंगी 20 to 30 मिनट तक, तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर शेयर नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको उनका लिंक शेयर करूँगी। इसी तरह ग्रुप में जैसे ये एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो, और आपने फिर उस वीडियो को व्यू करना है जो भी वीडियो आपके पास होगी। आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे, या साथ साथ भी आपको जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे आफ्टर 10 मिनट 5 मिनट जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। 12 to 1 o'clock में ऑनलाइन होंगी, व्हाट्सएप पे आप जो भी क्वेश्चन करेंगे साथ साथ या एंड पे वीडियो के मैं उन सबके आंसर्स आपको करूंगी। तो ये हमारा प्लान होगा, स्टडी प्लान होगा। अब एमएस एक्सेस से हमने क्योंकि कल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को एमएस ऑफिस रिक्वायर्ड होगा। लैपटॉप्स या कंप्यूटर जिनके पास है मोस्टली ये इंस्टॉल होते होंगे, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप सीडी लेके या ऑनलाइन चेक करके अगर आपको सेटअप मिलता है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा इंस्टॉल होगा तो प्रैक्टिकल वर्क जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप साथ साथ खुद प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको लास्ट 2 डेज में फ्राइडे और सैटरडे में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स करवाऊँगी। एमएस वर्ड और एक्सेल जो आप लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के लास्ट में पढ़े थे वो प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ ही परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर जब पेपर होंगे तो आपने वो प्रैक्टिकल भी साथ ही देना होगा पेपर। तो आपने ऑफिस को ज़रूर इंस्टॉल करना है, जिनके पास अवेलेबल है कंप्यूटर,
जिनके पास नहीं है उनके लिए यही है कि वो फिर वीडियोस को गौर से देखें और समझें, लाइक जब कंप्यूटर आपको अवेलेबल होंगे कॉलेज में तो आप फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। कि अभी तक के लिए इतना ही, कल से आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे और आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए और इस सारे प्रोसेस के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।